नमस्ते फ्रेंड्स वेलकम यू इन द यूट्यूब चैनल लर्न क्रॉप साइंस विद अवस्थी सर, मैं हूं अवस्थी जी बी अब आज हम आज ये देखने जा रहे हैं कुछ कंसेप्ट्स, जिन कंसेप्ट्स का ट्वेल्थ स्टैंडर्ड से डायरेक्ट कनेक्शन है जो कंसेप्ट सीड से रिलेटेड है अब सब में उसमें सबसे पहली कंसेप्ट देखने के लिए हम क्या करते हैं देखिए हमारे पास सीर के दो सैंपल्स हैं। अब ये दोनों पिक्चर सैंपल में कुछ फर्क नजर आ रहा है एक सीर अब ये मटर का सीड है पी सीड वटाने का सीर बनते अपन कैला अब पहला सीर और दूसरे सीर में फर्क यदि पूछा जाए तो कोई भी बताएगा की यहाँ पे दुसरेवाले सीडको मोड आया आहे दुसऱ्या बियांला बियांमध्ये उगवणी झालेली आहे ते उगवलेलं आहे तर हा झाला त्या टर्मला दिलेलं नाव ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो सीड जर्मिनेशन म्हणजे त्याला मोड आलं ते उगवलं आता ते उगवलं म्हणजे नेमकं काय झालं हे उगवलं मोड आया ये तो नाम है प्रचलित नाम दिए गए नाम है साइंटिफिकली क्या चेंजेस हुए हैं मीन्स इट्स अ डेफिनेशन इसको कैसा डिफाइन करेंगे सीड जर्मिनेशन को तो देखिए उसका इट इज रिजम्पशन ऑफ एक्टिव ग्रोथ ऑफ यमरियो टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू सीडलिंग अंडर फेवरेबल कंडीशंस देखिए फेवरेबल कंडीशंस जब किसी सीड को मिलते हैं तो उसके अंदर जो यमरियो पार्ट होता है जो कि लाइव पार्ट है वो अपनी फर्स्ट ग्रोथ स्टार्ट करता है एक नया पौधा बनाने की और यमरियो की हुई हुई पहली ग्रोथ नवीन रोपट तैयार करने की दृष्टि न यमरियो की पहली वाढ़ टला बनाई सर अंकुरन मोड़ आया और सीड जर्मिनेशन आया समझ में इसको हम टेक्निकली इस तरह से डिफाइन करेंगे सीड जर्मिनेशन लेकिन कंडीशन क्या है देखिए फेवरेबल कंडीशंस होना बहुत ज़रूरी है अब यदि हम सीड एक टेबल पर रख दिए हैं और वैसे उसको दस दिन के बाद आकर देखा है कुछ फर्क नज़र आएगा नहीं क्यों तो उसके जर्मिनेशन के लिए जो कंडीशंस होते हैं वो उसे मिले ही नहीं हैं तो जर्मिनेशन के लिए कौन कौन से कंडीशंस ज़रूरी है कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन देखिए सबसे पहला आप ज़रूर बताने वाले हैं आपको पता है वही मैं बताने जा रहा हूं दैट इज़ वाटर और मॉइस्चर अब ये वाटर और मॉइस्चर इसका रोल क्या है देखिए हमने पिछले एक वीडियो में पार्ट्स ऑफ सिर में उसके पार्ट्स देखे हैं सबसे पहला पार्ट है उसका सीड कोट वहाँ हमने ये लिखा है कि ये ड्राई भी होता है सॉफ्ट भी होता है ये हार्ड भी होता है सॉफ्ट भी होता है तो इस कोट को सॉफ्ट करना ये काम वाटर और मॉइस्चर करता है उसके बाद ये वाटर एम्ब्रियो तक रीच होता है जैसे ही वाटर अवेलेबल हो जाता है यमरियो अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता है जिसे हम सीड जर्मिनेशन कहते हैं अब सेकंड कंडीशन क्या है इस सब प्रोसेस के वक्त टेम्परेचर भी होना ज़रूरी है तो एक टेम्परेचर रेंज है 27 सेवन टू थर्टी टू अप टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर रेंज में काफ़ी सारे प्लांट्स के सीड्स का जर्मिनेशन अच्छी तरह से हो पाए लेकिन यही टेम्परेचर रेंज यदि सेवन डिग्री सेल्सियस से नीचे चली जाए तो ये जर्मिनेट तो ये सिर जर्मिनेट नहीं होता इसलिए देखो कोई भी क्रॉप कोई भी वेजिटेबल क्रॉप्स किसी भी क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज में उसका टेम्परेचर जीरो से नीचे या सेवन से नीचे ही मेंटेन किया जाता है ओके तो टेम्परेचर इज द सेकंड इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन अब थर्ड है जब एमरियो की ग्रोथ हो रही है तो एनर्जी लगेगी एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन से ही डेवलप होगी और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरी है तो ये तीन जो फैक्टर्स है वाटर टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन दे आर द प्राइम फैक्टर्स ये फैक्टर्स जब किसी सीड को अवेलेबल होते हैं तो उसका जर्मिनेशन होना निश्चित है वो जर्मिनेट होता है लेकिन कुछ कुछ सिर में लाइट भी लगती है इसके इन सब चीज़ों के साथ कुछ सिर में लाइट भी अवेलेबल होना ज़रूरी है लेकिन इसका मतलब सभी सिर के लिए लाइट चाहिए ऐसी भी बात नहीं है कुछ सिर्स लाइट डिमांड करते हैं कुछ सिर्स विदाउट लाइट भी जर्मिनेट हो जाते हैं तो लाइट ए फोर्थ फैक्टर के लिए ऑप्शन में रखा गया है अब देखिए ये सब कंडीशन जब सीड को अवेलेबल होते हैं तो सीड जर्मिनेट होता है ये हो गई है आज की अपनी टर्म सीड जर्मिनेशन सीड कंसेप्ट सीड जर्मिनेशन ये बात आई समझ में आप देखिए ये एक कंसेप्ट है सीड जर्मिनेशन अब सेकंड कंसेप्ट जो है वो इसके बिल्कुल एंटी है विरुद्ध है वो कैसे अल्डो ऑल दीज कंडीशंस कुछ कुछ अब मैंने अब हमने क्या बोला कि जब किसी सीड को वाटर टेम्परेचर ऑक्सीजन मिलता है तो वो जर्मिनेट होता है अब देखिए मेरा सवाल ये रहेगा कि टोमेटो के अंदर जो सीड है उसको टोमेटो का जूस मतलब वाटर ही, ही है बॉडी टेम्परेचर फ्रूट का टेम्परेचर है ऑक्सीजन अवेलेबल होता ही है प्ला फ्रूट सेल्स ऑक्सीजन लेंटिकल्स थ्रू लेंटी सेल्स थ्रू लेती है इतना सब होने के बाद भी वहाँ का सिर जर्मिनेट नहीं होता दूसरा एग्ज़ाम्पल कोकुम्बर उसके अंदर भी सीड होता है वहाँ सभी कंडीशंस अवेलेबल है फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं होता नारियल नारियल के कोकोनट अंदर के अंदर भी पानी होता है टेम्परेचर है ऑक्सीजन है तो भी सीड जर्मिनेट नहीं होता मतलब ये जो प्रोसेस है वो जर्मिनेशन के एंटी प्रोसेस है जिसे हम सिड डॉर्मेंसी कहते हैं तो सीड डॉर्मेंसी को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे इसको टेक्निकली हम इस तरह से बताएंगे फेल्यूअर ऑफ वायबल सीड टू जर्मिनेट दो द फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल एंड इज कॉल्ड एज सीड डॉर्मेंसी यानी टेम्परेचर वाटर ऑक्सीजन ये सब होने के बावजूद भी कुछ कुछ सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाते इस कंडीशन को सीड डॉर्मनसी कहा जाता है एक्चुअली इट इज अ रेस्टिंग पीरियड ऑफ सीड ये सीड का आराम करने का टाइम होता है जिसे हम डॉर्मेंसी पीरियड भी कहते हैं अब ये डॉर्मेंसी पीरियड सभी क्रॉप में एक ही नहीं होता है तो क्रॉप टू क्रॉप बदलत जाता। कि एक क्रॉप दोन जा हा डॉर्मन्सी पीरियड वेगवेगा तो। एक ही क्रॉप के दो अलग अलग अगर वैरायटी है तो उसमें ये पीरियड अलग अलग होता है अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं पोटैटो में सीड डॉर्मन्सी पीरियड तीन महीने का है माने हम जब पोटैटो को हार्वेस्ट कर कर निकाल लेते हैं सेकंड डे हम उसको जर्मिनेशन के लिए नहीं रख सकते ऐसे तीन महीने तक वो जर्मिनेट नहीं होगा दैट पीरियड दैट इज कॉल्ड एज डॉर्मनसी पीरियड ऑफ दैट पोटैटो इन द सेम वे ग्राउंडनट के जो लोकल वराइटीज है अब देखो एक ही क्रॉप की दो अलग अलग वराइटीज इसमें जो लोकल वराइटीज है ग्राउंडनट के मूंगफली कई बार आपने ऐसा देखा होगा आप जब मूल मूँगफली छिलते हैं तो अंदर का जो सीड है उसको जर्मिनेशन हुआ नज़र आता है आपको तो वो क्या है कि उस क्रॉप के उस वैरायटी में जीरो डेज डोरमेंसी है मतलब ऐसे क्रॉप को हार्वेस्टिंग करने में थोड़ा भी डिले हो जाता है तो फ्रूट के अंदर जो सीड होता है वो अंदर के अंदर ही जर्मिनेट हो जाता है जैसे तैवान पपई आप देखते हो बाज़ार में अवेलेबल होती है उसको कट करने के बाद अंदर कुछ मोड़ आए हुए सिर नजर आते हैं वो क्या इंडिकेट करता है कि पपई के उस वैरायटी में जीरो डेज डॉर्मेंसी है जबकि हम लोकल वैरायटी, ज्याला हमी मराठीत गावरनजात मन तो पपईचा का जातीचा पपई कट के मधल कूटल ही सीड तुम जर्मिनेट जासत नहीं मजे अपने का संगता कि लोकल वरायटी ऑफ पपई हैविंग फ्यू डेज ऑफ डॉर्मन्सी पीरियड व्हाइल तैवान वरायटी ऑफ पपई इज हैविंग जीरो डेज ऑफ डॉर्मन्सी पीरियड तो अभी हमने क्या देखा सीड जर्मिनेशन उससे रिलेटेड एंटी प्रोसेस दैट इज सीड डॉर्मन्सी अब इसके बाद अगली कंसेप्ट है डेट इज सीड रेट अब जनरली सीड रेट जब नाम निकाला जाता है तो आप स्टूडेंट्स को सीड का पैसों में जो मार्केट में रेट होता है वो नजर आता है तो यहां प्राइस या उसके दाम ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो यहाँ क्या है यहाँ सीड रेट में क्या उम्मीद की जा रही है इट इज क्वांटिटी ऑफ सीड और अमाउंट ऑफ सीड रिक्वायर्ड टू सो पर यूनिट एरिया देखिए हमें एक एकड़ या एक हेक्टर एक हेक्टर माने 2.5 पॉइंट फाइव एकर्स एक ध्यान में रखना है तो एक हेक्टर उस एरिया में किसी भी क्रॉप का सोइंग के लिए लगने वाला जो सीड है उसकी क्वांटिटी है उसे हम लोग सीडरेट कहते हैं अभी सीडरेट जो है हमेशा केजी पर हेक्टर में ही इंडिकेट किया जाता है हम कभी भी ख्याल में रखें हम सीड खेत में सोइंग के लिए किलो से पैरते हैं और यील्ड जिसे हम उत्पन्न कहते हैं वो क्विंटल में लेते हैं कभी उल्टा नहीं चलते ईल्ड सीड क्विंटल से डाला है और इल्ड सीड के जी से लिया है ऐसा नहीं होता सो अलवेज सीड रेट इज इंडिकेटेड इन टर्म्स ऑफ के जी पर हेक्टर जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें ग्राउंडनट एक एक हेक्टर में ग्राउंडनट यदि पैरना है सोइंग करना है तो उसका सीड हमें कितना लगेगा 70 टू 80 के जी पर हेक्टर इन द सेम वे अगर हम हाइब्रिड कॉटन की सोइंग करने जा रहे हैं तो एक हेक्टर के लिए हमें तीन से चार के जी सीड की मात्रा लगेगी सो इट इज़ अबाउट सीड रेट ये कंसेप्ट ट्वेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कई क्रॉप के सीड रेट पूछे जाते हैं तो बच्चों को पता ही नहीं रहता जो बच्चे क्रॉप साइंस का पीरियड करते ही नहीं हैं वो सीड का रेट बाजार में का लिख देते हैं ट्वेंटी टू uh, थाउजेंड रुपीज़ वन बैग ऐसा कुछ भी लिख देते हैं दैट इज रॉन्ग आंसर सो इट इज़ अबाउट सीड रेट अब इसके बाद सीड रेट के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आ रही है स्पेसिंग अब स्पेसिंग का क्या मतलब है देखिए हम मेथड्स ऑफ सोइंग के वीडियो लेक्चर में हमने ड्रिलिंग डिबलिंग और ट्रांसप्लांटिंग ये क्रॉप से सोइंग किए हुए पिक्चर्स दिखाए हैं उसमें आपने क्लियर देखा है कि दो लाइंस है क्रॉप के एक भी एक लाइन के बीच दो प्लांट्स में कुछ डिस्टेंस है तो स्पेसिंग क्या है इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑफ क्रॉप एज वेल एज टू प्लांट्स ऑफ सेम रो इज कॉल्ड एज स्पेसिंग तो एक दो लाइन्स किसी भी क्रॉप के दो लाइन्स और एक लाइन के दो प्लांट्स के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है उसे हम स्पेसिंग कहते हैं देट इज डिस्टेंस बिटवीन टू रोज एज वेल एज टू प्लांट्स ऑफ सेम रोज इज कॉल्ड एज स्पेसिंग फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम जब जवार पैरने जा रहे हैं अब हम जब जवार की सोइंग करने जा रहे हैं तो उसमें 45 फाइव बाय फिफ्टीन सेंटीमीटर ये स्पेसिंग रखी जाती है उसका इंडिकेशन स्पेसिंग ऑफ जवार इज़ फोर्टी फाइव बाई फिफ्टीन सेंटीमीटर तो इसका मतलब क्या होगा पहली डिजिट पहला जो डिजिट है दैट इज़ फोर्टी फाइव ये इंडिकेट करता है इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स और टू रोज सेकेंड डिजिट इंडिकेट्स द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लांट्स ऑफ सेम रोज तो देखिए जब हम ये आंसर के तौर पर लिखने जा रहे हैं तो कभी भी इसकी जगह नहीं बदलनी है पंद्रह बाय पैंतालीस मैंने तो फिगर बराबर लिखी थी थोड़ा सा इधर उधर कर दिया था ऐसा नहीं चलेगा उसका मीनिंग बदल जाता है तो फर्स्ट डिजिट इज ऑलवेज इंडिकेट्स द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स जैसे कि कॉटन में नाइन्टी दो प्लांट्स का बीच का डिस्टेंस है और दो सॉरी सॉरी नाइन्टी दो लाइन्स के बीच का डिस्टेंस है वाइल सिक्सटी ये दो प्लांट्स का डिस्टेंस है एक लाइन के आया समझ में वैसे ही अब देखिए दूसरा एग्जांपल है स्पेसिंग ऑफ मैंगो इज टेन बाय टेन मीटर वेयर एज इन पोमोग्रोनेट इट इज़ एट बाय एट मीटर अब देखिए मैंने एग्जाम्पल के दौर पे तौर पे दो एग्जाम्पल्स दिए हैं चार एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिसमें दो क्रॉप है और दो फ्रूट ट्रीज है कुछ डिफरेंस है इसमें देखिए क्या डिफरेंस है आप देख सकते हैं आप बता सकते हैं दोनों एग्जाम्पल लाइन में डिफरेंस है क्या डिफरेंस है हाँ यस yes. कि प्लांट डिस्टेंस और स्पेसिंग ऑफ क्रॉप प्लांट इज़ ऑलवेज इंडिकेटेड इन सेंटीमीटर देखिए जब हम क्रॉप प्लांट ले रहे हैं तो उनका डिस्टेंस उनका स्पेसिंग सेंटीमीटर में ही दिखाना है यदि किसी बच्चे ने ऐसा लिखा स्पेसिंग ऑफ जवार इज 45 फाइव बाय फिफ्टीन किलोमीटर तो इसका मतलब क्या होगा अब देखिए कि जवार की एक लाइन यहाँ मौजूद है दूसरी लाइन 45 किलोमीटर मतलब यहाँ से अंबेजोगई के आसपास इतना बड़ा क्या किसी का खेत होता है क्या तो यह लॉजिक का है सवाल लॉजिक का है यहाँ समझ में आना चाहिए कई बार बच्चे यूनिट ही नहीं लिखते जीनियर स्टूडेंट्स ऑलवेज मेक मिस्टेक्स एरर्स नॉट मिस्टेक्स वो क्या करते हैं यूनिट ही नहीं लिखेंगे तो सामने वाले ने चेक करने वाले ने क्या कंसीडर करना है सेंटीमीटर मीटर और किलोमीटर कुछ बच्चे मीटर लिख देते हैं कुछ बच्चे किलोमीटर लिख देते हैं ऐसा नहीं चलेगा इसीलिए क्रॉप प्लांट्स की स्पेसिंग हमेशा सेंटीमीटर में इंडिकेट करनी है एंड फ्रूट ट्रीज़ की स्पेसिंग हमेशा मीटर में इंडिकेट करनी है हम आम का पेड़ सेंटीमीटर से नहीं लगाते हैं एक आम का पेड़ और दो आम के पेड़ में मीटर का डिस्टेंस होता है ये बात अच्छी तरह से गहन में रखनी है और इसको हमें बारहवीं तक कैरी ऑन करना है क्यों तो ट्वेल्थ में ये बातें काफ़ी मायने रखती है और ये छोटी छोटी बातों में गलतियां हो जाती है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही आज हमने देखा है सीड जर्मिनेशन उससे रिलेटेड एंटी प्रोसेस सीड डॉर्मनसी सीड रेट और स्पेसी तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए लाइक कीजिए